वर्ल्ड कप 2023 में आज टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में टीम इंडिया का सामना दो बार की रनर अप न्यूजीलैंड से होगा। ये सबसे बड़ा मुकाबला इसलिए होने वाला है क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत इस टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार हैं। दोनों टीमें चार चार मैच खेल चुकी हैं और सभी में जीत का स्वाद चखा है। न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पर नंबर वन है जबकि टीम इंडिया नंबर टू पर मौजूद है। लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के चलते इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। हार्दिक को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में बाएं टखने में चोट लगी थी जिसके चलते वह इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हार्दिक ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, ऐसे में एक और परेशानी खड़ी हो जाती है कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह कौन लेगा। न्यूजीलैंड का सामना करने से पहले जब राहुल द्रविड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तब उनसे ये सवाल किया गया कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या को कौन सा खिलाड़ी रिप्लेस करेगा। इस पर बात करते हुए राहुल द्रविड़ ने कहा, हार्दिक पांड्या हमारी टीम के अहम खिलाड़ी हैं। उनके ऑलराउंडर खेल की वजह से टीम में संतुलन पैदा होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो नहीं खेलेंगे जिससे हमें कमी भी खलेगी, लेकिन अब हमें देखना होगा कि प्लेइंग 11 में संतुलन कैसे लाया जाए। हम मैच से पहले परिस्थितियों के हिसाब से तय करेंगे कि उनकी जगह पर किस खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की जगह पर स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव या फिर मोहम्मद शमी को टीम में लाया जा सकता है। मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज हैं और धर्मशाला की कंडीशंस में शमी घातक सिद्ध हो सकते हैं। धर्मशाला में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है जो शमी के लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में हार्दिक पांड्या की जगह मोहम्मद शमी के खेलने के आसार अधिक नजर आते हैं। वैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल द्रविड़ से हार्दिक की बात करते हुए शार्दुल ठाकुर की चर्चा की गई तो राहुल द्रविड़ ने अपने बयान में कहा, देखिए मैं इस बात को लेकर ज्यादा गहराई में तो नहीं जाना चाहूंगा कि शार्दुल ठाकुर टीम में बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं या नहीं। उनके पास विकेट चटकाने की कला है, हालांकि अब तक उनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल सका। हार्दिक पांड्या के न होने के बाद हमें टीम के कॉम्बिनेशन पर अधिक ध्यान देना होगा। हम तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे। वैसे राहुल द्रविड़ ने अपने बयान में ये संकेत दे दिए हैं कि टीम इंडिया तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। टीम के पास ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज हैं। अब तीसरा गेंदबाज कौन होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। क्या टीम इंडिया मोहम्मद शमी के साथ जाएगी या फिर शार्दुल ठाकुर को एक और मौका दिया जाएगा, ये बात तो टॉस के टाइम पर ही पता चलेगी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि टीम को हार्दिक पांड्या की कमी जाहिर तौर पर खलने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं जहां पर न्यूजीलैंड ने 5 जीते हैं और टीम इंडिया को सिर्फ 3 में जीत मिली है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए मुकाबला वाकई में एक चैलेंजिंग मुकाबला होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस मैच में हार्दिक की जगह किसको मौका मिलेगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।